ये हो रही थी, ये जो शादी की और बहुत ज्यादा मजा ऐसा कुछ था। गाइस यहाँ लग रही है मारी थी, बड़ी खुश हो। इसके बाद यहाँ पर मेरी मेहंदी बहुत ज्यादा सुंदर बहुत ही तरह आ रही थी। और वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल बाय दीपिका। होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस अभी है, जैसे कि आप देख रहे हो, वेडिंग सीजन अभी भी मेरा तो चल ही रहा है क्योंकि इस साल इतनी शादियां मैंने अटेंड करी हैं बहुत ज्यादा। और मैं सच बता रही हूँ, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर जो ये ब्लॉग देख रहा है और कोई भी मेरे रिलेटिव में कोई नॉन में है ना, कोई शादी मत करना, कोई भी शादी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी हम थक चुके हैं शादी करके। सो गाइज हमें ये बोल रही थी अभी है ये वेडिंग सीजन और आज इस सीजन में हो रही है। इस ब्लॉग में आपको मिलेगी मेरी कजन सिस्टर की मैरिज है। तो हाय गाइज, हाय गाइज। सो ये भी आ गए गाइज के लिए। सो अभी हम जो है मेरी कजिन वेडिंग, सो अभी जो वेडिंग है वो है मेरी कजिन सिस्टर की, तो उसे अटेंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। मतलब दिल्ली में ही शादी है तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी हम स्टे करेंगे क्योंकि सारे फंक्शन अटेंड करेंगे। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना। इस ब्लॉग में भी सारे नेक टेले, सारी रस्में, सारी मस्ती, वेडिंग सब कुछ आपको मिलेगा। सो बने रहिएगा ब्लॉग को, लास्ट तक देखते रहिए और बहुत सारा प्यार देते रहिए। सो गाइज घर में हो रहे थे छोटे छोटे जो फैमिली फंक्शंस होते हैं वो हो रहे थे, और जिसमें कि सबसे पहले जो दीदी का था यहाँ पर ना तेल जैसे चढ़ाते हैं तो वो सारी चीजें हो रही थी। तो यहाँ पर एक उनकी मतलब नॉन में थे तो वो चढ़ा रहे थे, और उसके बाद फिर मेरी बारी आई तो मैंने भी जैसे, क्योंकि शादीशुदा होती है वही लोग कर सकते हैं, तो उसके बाद मैंने जैसे 7 बार तेल चढ़ाते हैं वैसे तेल चढ़ाया। और उसके बाद मैंने बोला कि चलो यार कुछ फोटो वोटो तो ले लो, तो फोटो वगैरह हमने क्लिक कराए। सो बहुत सारी मस्ती करते हैं जब फैमिली के साथ में मिलते हैं और बहुत ज्यादा मजा आता है। और ये जो पीछे है ये मेरी मासी है जो मेरे कि यहाँ पर वो बांध रही, कांगना बांध रही है। और उसके बाद यहाँ पर फिर ना हल्दी की रस्म भी हुई, क्योंकि तेल बांध वगैरह होने के बाद फिर यहाँ पर क्या है, जब हल्दी हो गई ना तो देखो ऊपर से स्टार्ट किया है तो क्या होता है तेल जैसे उतार लगाते हैं उसी तरीके से उतारते भी हैं। तो यहाँ पर फिर हो रही है तेल उतारने की रस्म, क्योंकि हमने पहले तेल चढ़ाया था और उसके बाद होती है तेल उतारने की। तो फिर मैं भी तेल उतार रही हूँ, जो जो चढ़ाता है वही लोग ही उतार सकते हैं। तो कुछ ऐसी रस्में होती हैं जो शादी की, और बहुत ज्यादा मजा आता है इन सब में क्योंकि गेट टुगेदर होता है, मिलते एक दूसरे से और बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं। फिर यहाँ पर जो साड़ी होती है ना, साड़ी को दुल्हन के ऊपर उड़ाया जाता है ऐसा कुछ था, और इसके अंदर कुछ रखा जाता है, फिर उस साड़ी को उठा के रखा जाता है, और जो हमारे मान होती है, हमारी बेटी बहन बेटी होती है, उनको फिर ये दिया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं। तो गाइस ये है जहाँ पर हो रहा है खाना। तो ये गीता भवन है जहाँ पर मेरे भाई की शादी भी यहीं पर ही हुई थी, आई मीन यहीं पर स्टे किया था हम लोगों ने। दिस इज द खाना, चौमील। मैं हूँ चौमील। राहुल जी खिला रहे हैं अपने बेटे को खाना। वाह गाइज ये है हमारे रूम का टूर, और आपको सब बताती हूँ। इसमें हमने, आप देख रहे हो कितना सारा बेड है, ठीक है, एक अलमीरा है, ये हो गया आपका मिरर, ये हो गया टीवी। तो ये बहुत बड़ा रूम हमने इसलिए लिया है क्योंकि फर्स्ट टाइम हम सारे लोग एक रूम में एंजॉय करेंगे। तो राहुल की फैमिली मतलब मेरे ब्रदर की फैमिली और मैं दोनों ही हम एक साथ इस रूम में स्टे करेंगे क्योंकि हमने बड़ा बड़ा सा रूम ले लिया। हेलो इस डे में भी मैंने कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं किया है, मैंने पहना एक नॉर्मल सा सिंपल सा सूट
और आप देख सकते हो प्यारा सा मैंने एक सूट पहना है जो कि बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद है ये सूट। सो दिस इज माई लुक ऑफ डे। सो गाइज यहाँ पर लग रही है दीदी की मेहंदी और ये लगवा रही है दीदी मेहंदी। तो गाइज यहाँ लग रही है मौसी जी की मेहंदी। सो सुबह गाइज हल्दी तेल बांध होना हुआ, फिर खाना पीना हुआ, उसके बाद दोपहर के टाइम पे हम लोगों ने ना मतलब मेहंदी का फंक्शन किया, तो यहाँ पर मेहंदी लग रही थी और मेहंदी इतनी ज्यादा फास्ट मैंने कभी नहीं देखी जिस तरीके से वो लगा रहे थे। यहाँ राहुल जी मन मन मुस्काते रहते हैं तो वो सारी चीजें हो रही थी। यहाँ पर मासी की मेहंदी लग गई है तो वो भी अपनी मेहंदी दिखा रही थी, बड़ी खुश हो रही थी। यार खुशी तो होती है ना जब अपनी बेटी की शादी होती है, घर में कोई फंक्शन होता है, बहुत सब लोग मिलते हैं तो बहुत मजा आता है। तो वो सारी चीजें मतलब हम छोटे छोटे पल होते हैं इस ब्लॉग के थ्रू कैप्चर करते हैं, फिर बाद में देखते रहते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर मेरी मम्मी ने भी मेहंदी लगाई, मेरी मम्मी बिल्कुल मेहंदी नहीं लगवाती, सिर्फ मैं ही फोर्स करती हूँ हमेशा, और मेरे फोर्स करने की वजह से मैंने छोटा सा, क्योंकि मम्मी थोड़ा अस्थमेटिक है, तो छोटी सी एक बेल लगवा ली जिससे कि मतलब मम्मी का भी मेहंदी का हो गया। फिर यहाँ पर भाभी थी, भाभी मतलब अपने काम पर गई हुई थी मॉर्निंग में जॉब पर, तो उसके बाद इवनिंग में जब आए तो उन्होंने भी मेहंदी लगवा ली थी और मेहंदी इतनी जल्दी और इतनी बढ़िया मेहंदी लगी थी। इसके बाद यहाँ पर मेरी मेहंदी देखो, फुल मेहंदी मैंने ऊपर तक लगवाई थी क्योंकि मुझे मेहंदी का बहुत शौक है। तो यहाँ पर हम लोग मस्ती कर रहे हैं। इसके बाद गाइज ये था दीदी का फुल मेहंदी का लुक, जिसमें पूरी मेहंदी हाथ की हमने दिखाई, पैरों की दिखाई, बहुत खूबसूरत डिजाइन बनाया था, बहुत ज्यादा सुंदर दूल्हा दुल्हन बनाए थे। यहाँ पर आप देख रहे हो दूल्हे के हाथ में जैसे वरमाला है। राहुल जी रोमिल को पकड़ के बैठे क्योंकि मेहंदी सबकी खराब कर रहा था और यहाँ पर मैं भी थोड़ी बहुत इधर आ रही थी। तो यहाँ पर मेरी मासी हैं, हम सब मस्ती कर रहे थे, तो वो सारी चीजें हैं। दीदी यहाँ पर बड़े खुश हो रहे थे, सारी चीजें पूरी फैमिली की। आपको ब्लॉग कैसे लगते हैं, वेडिंग ब्लॉग अब तक के कैसे लगे हैं आपको जरूर बताना है। ये वहां पर दीदी थी, भैया थे, बहुत ज्यादा अच्छे थे, सब लोगों के साथ पहली बार मिल रहे थे, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे हम इनसे कब से जानते हैं। ये जो होता है ना मोमेंट्स बहुत ही ज्यादा खास और बहुत प्यारे होते हैं, तो बहुत ज्यादा मजा आया। जयो जी जयो Yeah।
इधर देखो इधर।